ठीक है गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं तो और लव एंड थंडर के गुड एंड बैड अपडेट के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। थॉर लव एंड थंडर एक ऐसी मूवी है जिसकी हाइप एंड गेम के लेवल की बनी हुई है, और सबसे ज़्यादा लोग इस मूवी के विलन थॉर द गॉड बचर को देखने के लिए पागल हुए पड़े हैं। पर वहीं अभी तक हमें इस मूवी का एक टीजर के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। मूवी 8 जुलाई को रिलीज़ होने वाली है और लगभग 50 से भी कम दिन बचे हुए हैं। उसी के बीच एक उड़ती उड़ती खबर ये निकल गया है कि मूवी का जो ट्रेलर है वो बहुत ही जल्दी यानी कि 23 मई को आपको देखने को मिल सकता है। हाँ जी हाँ गाइस, 23 मई यानी मंडे को आपको थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। वो भी हो सकता है कि या तो सुबह सुबह देखने को मिल जाए या फिर शाम को, जैसा कि टीज़र के टाइम पर हुआ था। लग रहा था कि मार्वल वाले 18 को भी टीज़र नहीं डालने वाले हैं, पर रात को उन्होंने डाल दिया। सो आई होप कि 23 को यानी मंडे को इसका ट्रेलर हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि मून नाइट भी ख़त्म हो चुका है और अच्छा होगा कि मिस मार्वल के एपिसोड स्टार्ट होने से पहले ये लोग ट्रेलर डाल दें तो मज़ा ही आ जाएगा। गाइस 23 मई सब लोग नोट करके रख लो, यही वो दिन हो सकता है जिसमें आपको गौर द गॉड बचर देखने को मिल जाए। और गाइस रही बात गौर की लुक की, तो वो भी हमें देखने को नहीं मिला। कन्फर्म ही नहीं है कि उसका लुक कैसा होने वाला और कैसा नहीं। हाँ कुछ उसके टॉयज़ वॉयज लीक हुए थे कि टॉयज़ जो निकला था उसमें दिखाया गया था कि गौर का लुक कुछ इस तरह का होने वाला है। और अगर बात करें टॉयज़ के ऊपर तो उनका तो लुक देखने में यही लग रहा है कि वो बिल्कुल भी कॉमिक एक्यूरेट नहीं होने वाला है। ज़्यादा ही लोग CGI का यूज़ नहीं करने वाले हैं उसे मॉन्स्टर की तरह दिखाने के लिए। और सही है, अगर वो पूरा CGI का यूज़ कर देंगे तो क्रिश्चियन बेल जो कि बवाल एक्टर हैं उनकी एक्टिंग कहाँ से लोगों को नज़र आएगी। सो गाइस ये हो गया थॉर 4 का गुड न्यूज़। और अब बात कर लेते हैं उसके बैड न्यूज़ के ऊपर। गाइस बैड न्यूज़ ये है कि ये मूवी जो कि पहले 2 घंटे 13 मिनट की होने वाली थी, इसको अब तक की मार्वल की सबसे शॉर्ट मूवी बना दिया गया है। ये मूवी अब बस 1 घंटे 55 मिनट की होने वाली है। तो गाइस थॉर 4 जिसमें समझ सकते हैं आपकी माइटी थॉर ज्यूस गॉड इज बस्ट गॉड द गॉड बस्टर जैसे कैरेक्टर होने वाले हैं, जो कि ये मूवी पूरी कॉमिक के ऊपर बेस्ड है, इसका स्टोरी पूरा कॉमिक पर बेस्ड है। वो मूवी को काट पीट के 1 घंटे 55 मिनट में दिखा के इस मूवी का कचरा करने जा रहे हैं लोग। कम से कम इस मूवी को अपने पुराने रन टाइम के इतना ही होना चाहिए, क्योंकि मूवी में बहुत कुछ है दिखाने को। सभी कैरेक्टर्स को इन्हें समय देना है और बहुत स्टोरी को भी पूरी तरह से एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि 1 घंटे 55 मिनट इनफ होगा। और ऐसा ही इन्होंने किया था डॉक्टर स्ट्रेंज के टाइम भी, बहुत से सीन उसका कट कर दिया जिसकी वजह से मूवी इतनी फास्ट फॉरवर्ड निकलती गई कि कहीं भी ठहराव नज़र ही नहीं आया। और मॉर्बियस के साथ भी यही सीन हुआ, और अब थॉर 4 के टाइम भी यही खबर सुन के तो एकदम मूड का मां बन हो गया है। लोग इतना मूवी इतना बवाल मूवी का कचरा करना चाह रहे हैं जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो गाइज आप इस वैसे से कितने खुश हैं मार्वल के कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और 23 मई का वेट करिए, आई विश कि उस इंटरनल देखने को मिल जाए। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय। Coming around to make them gyal a roll out them arms. Go down there, wine and go down there.